गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एकेडमी क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज बात कर रहे हैं अपन 4.2। किस एक्सरसाइज की बात करें? 4.2 की। 4.2, 4.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। नीचे दिए गए कॉलमिंग के जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ट्रू है एंड वाई और क्यों है। इक्वेशन हमारी दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है, सत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन जो ऑप्शन है हमारा वो है ए यूनियन सॉल्यूशन, सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड थर्ड है इनफाइनेटली मनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन में से आपको क्या करना है, जो ट्रू ऑप्शन है उसको टिक करना है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 ये है। अब इसमें आप x की वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू सपोज करोगे, देन आपको y की वैल्यू मिलेगी। अगर इससे वन ए की सॉल्यूशन आता है, ए की सॉल्यूशन आता है तो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। अगर टू सॉल्यूशन आते हैं, इसके जो सॉल्यूशन आप ऐड रखोगे, इसमें जो एक्स की वैल्यू रखोगे, अगर टू वैल्यू रखने से टू ऑप्शन आ रहे हैं, टू ही आपको वो मिल रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, ओनली टू सॉल्यूशन वाले जो सेकेंड जो ऑप्शन है आपको उसको टिक करना है, उसको राइट करना है। अगर इससे ज़्यादा टू से 3, 4, 5, 6 ज़्यादा आ रहे हैं एक्स की वैल्यू रखने पर, जितनी चेंज वैल्यू रखोगे उतनी चेंज अगर रिजल्ट आ रहा है और आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपका थर्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5। मैंने x इक्वल टू मैंने पहले माना x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 3, 1 प्लस 5। तो y कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 3 प्लस 5। y इक्वल टू कितना होगा, 8। कितना होगा y, x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 8। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड बात करते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y इक्वल टू 3x प्लस 5, 3, 2 प्लस 5, x की जगह 2 वैल्यू रख दी, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। y इक्वल टू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, तो x इक्वल टू तो y इक्वल टू 11, मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड बात करते हैं, y इक्वल टू x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5, हमें सॉल्यूशन कितना होता है वो देखते हैं, 3 रखते हैं प्लस 5, तो हमारे पास 3 3 9 प्लस 5 कितना आता है, 14। तो अपना तो y इक्वल टू 14, मतलब फर्स्ट भी रॉन्ग और सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड राइट, मतलब उससे ज़्यादा या इन्फिनेटली मनी सॉल्यूशन, तो तीसरा अपना ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, इसमें क्या है, x की वैल्यू रखनी है, इक्वेशन में वैल्यू रख के अगर एक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें क्या करना है, पहले वाले को टिक करना था, अगर 2 मिल रहे थे तो सेकंड वाले को टिक करना था, अगर 2 से ज्यादा है तो थर्ड वाले को टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशन। कितने
कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? फोर सॉल्यूशन, ठीक है, फोर सॉल्यूशन, प्रत्येक जो इक्वेशन है उसके फोर फोर सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 2x plus y equal to 7, ठीक है। इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन दे रखी है, अपने सॉल्यूशन मिलना है। सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन लिखते हैं ग्राफ में, जो सॉल्यूशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, कॉलम में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट में बीच में कॉमा होता है। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू जो वाई की होती है। यहाँ 5 है तो 5 एक्स का है और 6 है वो वाई की वैल्यू है। तो कभी भी आपको 6 5 7 मिल जाए, अगर इसमें से पूछा जाए कि एक्स की वैल्यू कितनी है तो एक्स की वैल्यू आप कितनी बताओगे? 5, और वाई की वैल्यू 7, ठीक है। क्योंकि बाद में वाई लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है? एक्स लिखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2x plus y equal to 7, ठीक है। हम एक एक्स को इस तरफ ले लेंगे, एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में देखते हैं, एक्स को एक तरफ रखते हैं तो 2x = क्या होगा? 7 माइनस y होगा, और x = क्या होगा? 7 माइनस y अपॉन 2, ये होगा मल्टीप्लाई में 2, यहाँ डिवाइडेशन में हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो आपको एक इंडेक्स बनानी है, ठीक है। ऊपर आपको एक्स की वैल्यू रखनी है, नीचे आपको वाई की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, और कितनी करनी है? 4, यही करना है। तो फर्स्ट टाइम मैं रखता हूँ x = y = रखना है आपको, x = आपको मिलेगा, ठीक है। y = मैंने रखा 1, ठीक है। तो x = 7 y की जगह क्या रखूँगा? 1 अपॉन 2, 7 माइनस 1 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 3। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 3। तो y की अगर 1 रखी तो x की कितनी आई? 3 आई, ठीक है। सेकंड, अगर y = मैं 2 रखता हूँ तो 7 माइनस 2 होंगे, 7 माइनस 2 होंगे 5 होंगे, 5 उससे मल्टीप्लाई डिवाइडेशन नहीं होगा, तो मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ, ठीक है, 3 रखता हूँ। तो x = होगा 7 माइनस y अपॉन 2, 7 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2, तो कितना आएगा? 2। अगर y की वैल्यू 3 रखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है, ठीक है। अब y की वैल्यू आप रखो, 4 रखोगे तो 4 माइनस 3 आ जाएगा, 3 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो y = 5 रखो, तो 5 रखोगे तो x = 7 माइनस y अपॉन 2, 7 माइनस 5 अपॉन 2, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 2, और हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू x की होगी 1, x की वैल्यू 1 जब y की वैल्यू क्या थी? 5 थी, ठीक है। अब a की वैल्यू हमें देखनी है, वो माइनस में होगी, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू माइनस का 1 रख देते हैं, y की वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं तो क्या होगा? x = 7 माइनस y अपॉन 2, 7 माइनस माइनस का 1 अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 अपॉन 2, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। y की वैल्यू -1 रखने पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4 आई। x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन के दौरान इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 1 2 3 1 5 और 4 और -3 1। इसको इंडेक्स में भी रख सकते हो और ऐसे
ब्रैकेट्स में भी आप रख सकते हो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन के आगे टोटल क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं।